राम के प्रणाम कीजिए। राम सीता राम कीजिए। चरणों में राम के प्रणाम कीजिए। चरणों में राम के प्रणाम कीजिए। लोगों से कि आखिर ये अयोध्या में आए हैं तो क्यों आए हैं, और दूसरा ये कि इतने ज्यादा युवा आए हैं तो सवाल पूछना लाजमी है कि युवाओं का क्या कहना है, क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को होने वाला है जिसको लेकर देश भर इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। सबसे पहले आप सभी भारतवासियों को जय श्री राम बोलना चाहता हूँ, और आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि अयोध्या का जैसा कि देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बेहतर हो रहा है, काम कितना बेहतरीन ढंग से हो रहा है, चारों तरफ एकदम खुशहाली का और शांति का माहौल है, और हम सभी लोग अच्छे से यहाँ पे आए हैं। सभी लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहियावत यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और आईटी कैंपस में वहाँ पढ़ते हैं हम लोग, इंजीनियरिंग करते हैं, सभी ब्रांच के लोग हैं, और हम लोग यहाँ पर आज हम लोग का छुट्टी था जैसा कि, तो हम लोग देखने आए हैं कि यहाँ का माहौल कैसा है। तो जैसा कि मैं आप सब ग्रुप में एक ही दिन के लिए आए हैं कि 22? नहीं नहीं, 22 जन उस दिन तो नहीं आ पाएंगे क्योंकि वहाँ उस दिन काफी वीआईपी लोग नहीं आ पाएंगे। कैसे देखते हैं कि पहले की अयोध्या और आज की अयोध्या में कितना अंतर आपको लगा? काफी चेंज हो गया, काफी यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया है और यहाँ पे काम अच्छा हुआ है काफी। आप उधर जाएंगे सड़कों पे तो काफी ब्रॉडकास्ट तरीके से चेंज किया गया है, यहाँ पर विकास पे विकास होती जा रही है, मंदिर बन रहा है और भी सारे काम हो रहे हैं, देश तरक्की पे जा रहा है। माननीय मोदी जी और योगी जी कितना काम कर रहे हैं देश के लिए, ये देश के लिए सौभाग्य की बात है। पीएम जी ने कहा है कि आज से सारे धर्म स्थलों पर अच्छे से स्वच्छता अभियान किया जाएगा, और वही हम लोग यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्वच्छता पे भी हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इस चीज़ पे। स्वच्छता पे अगर बात करें तो हमने घाट भी देखा थोड़ी बहुत, अगर वहाँ पे थोड़ा सा अगर ध्यान देने लोग, क्योंकि हम ही स्वच्छता कर रहे हैं, अगर हम स्वच्छ रखेंगे तो शायद दूसरा वाला भी हमें देख के स्वच्छ करके, तो इस तरह के। दूसरा है कि अयोध्या के बारे में हम बात कर रहे हैं, अयोध्या में हम आए हुए हैं तो अयोध्या में हर जगह राम में अयोध्या डूबी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि विकास तो हो रहा है, लेकिन विकास के साथ साथ और भी जो लोग हैं जो अयोध्या के लेके बहुत सारे जवाब कर रहे हैं, बहुत सारे सवाल कर रहे हैं, उनको लेके क्या कहेंगे आप? उनको लेके कुछ नहीं कहेंगे, बस जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो भाई, एक ही नारा, एक ही राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ पे युवा जय श्री राम। उनको लेकर मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे हर चीज के बैड्स और गुड्स होते हैं, तो बैड्स तो रहेंगे ही, लेकिन राम मंदिर बन रहा है, इससे बड़ी बात कोई और नहीं हो सकती अयोध्या के लिए। और हम लोग एक इंजीनियरिंग के छात्र, हम लोग के पेपर भी आने वाले हैं, लेकिन आज मकर संक्रांति के दिन मैं खुद उठा और अपने सारे दोस्तों को उठाकर लेके आया हूँ राम मंदिर अयोध्या के दर्शन करवाने। तो मुझे लगता है कि एग्जाम्स तो आते रहेंगे, पढ़ाई चलती रहेगी, लेकिन ये सबसे बड़ा काम है, सबसे बहुत ही अच्छा काम मोदी जी करवा रहे हैं। हम लोग पिछले 2.5 साल से यहीं रह रहे हैं और आना जाना तो लगा रहता है, लेकिन अभी वैसे हम लोग दीपोत्सव ही हर साल होता है तो वहाँ भी आते हैं हम लोग और बराबर मेहनत करते हैं, और उसके साथ साथ अभी यहाँ भी आज भी हम लोग घूमने आए हैं तो बढ़िया से एकदम। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप सारे युवा हैं ठीक है, राम के बारे में आप जानते हैं, आप पूछते हैं और सारी दुनिया उन्हें पूछती है, तो राम के जीवन से आप क्या सीखते हैं आप युवा लोग? सबसे पहले अगर मैंने राम जी से अगर सीखा है तो पेशेंस को सीखा है, दूसरी चीज़ की कितनी भी कठिनाई आ जाए, कितनी भी चीज़ें आ जाएं, अपने आप में अच्छी चीज़ों को कभी मत छोड़ना चाहिए, हमेशा ये करना चाहिए कि दया भाव रखना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, जहाँ भी रहें स्वच्छता रखना चाहिए। दूसरी चीज़ उनके लाइफ से अगर हम सीखते हैं कि उन्होंने पूरे जीवन को जिया और वो यहाँ तक कि अपने जीवन में वनवास तक को काटा, एक राजा होकर एक वनवास में जाना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर एक आम इंसान अगर अपने लाइफ को छोड़कर जंगल में चला जाता है या कहीं भी जाता है तो उसको कहा जाता है कि यार ये तो आम इंसान है, तो जंगल में जा रहा है कोई बात नहीं है, लेकिन एक राजा होके और वो वनवास को चले गए, वहीं से वो भगवान बने हैं, क्योंकि भगवान बनने की सबसे बड़ी उनकी चाहत यही थी, और भगवान वो बने ही इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने जंगल में यात्रा की और अपने राजपाट को छोड़कर अपने पिता के वचनों को निभाने के लिए अपने पूरे जीवन को, यहाँ तक कि अपने पूरे जीवन में एक छोटे से पार्ट को वनवास में भेज दिया। ये राम की सबसे बड़ी उपाधि थी, और वो राम उस समय तक राजा थे, जब तक वो राजमहल में थे तब राजा थे, लेकिन जब वो जंगल गए, अपने पिता के मर्यादाओं पर खड़े उतरे, अपने माता पिता अपने माँ के वचनों पर खड़े उतरे, उसके बाद वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान बन गए। लेकिन अगर राम के पद चिन्हों पर अगर सारे युवा चलने लग जाए तो
बहुत अच्छा हमारा देश हो जाएगा, और उनको लेके क्या कहेंगे जो राम के पद पर नहीं चलते? देखिए, राम के पद पर चलने की बात है या नहीं उसके बारे में मैं डिटेल नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतना कहूंगा कि राम जी ने यह भी कहा है कि सारे राम जी का एक अंश भी अगर हम ग्रहण कर लेते, युवा वर्ग ग्रहण कर ले, उनको लेकर क्या कहेंगे कि जो युवा है? जैसे कि हम लोग युवा लोग हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि हमारा इसमें इंटरेस्ट नहीं है, उसमें इंटरेस्ट नहीं है, पिताजी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कह रहे हैं, लेकिन आप हमें ये सीखने की जरूरत है राम जी से कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि पिताजी मेरा जंगल जाने में इंटरेस्ट नहीं, उन्होंने बिना कुछ किए एकदम, बल्कि उन्होंने कहा भी नहीं उनके पिताजी ने कि आप जाइए, बस उनके मन की भावना थी जो कि वो खुद नहीं कह रहे थे, उसके बावजूद केवल मन की उनकी बात समझ के चले गए। इससे बड़ा भगवान और कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आजकल देखा जाता है कि युवा अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानते हैं, और भाइयों से आजकल लोगों की अनबन रहती है सगे भाइयों में, तो उस हिसाब से राम के जीवन का बहुत ज्यादा महत्व युवाओं में देखने को मिल रहा है। तो वही चीज मैं कहना चाहूँ, उन युवाओं के लिए क्या कहेंगे आप जो अगर चाहते कि राम के पदचिन्ह पर थोड़ा बहुत भी अगर चले तो उनका जीवन आगे सुखमय हो सकता है? बिल्कुल, अगर आप जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, पीसीएस बने, किसी भी शिक्षा के क्षेत्र में हो, बिजनेस के क्षेत्र में हो, चाहे खेल के स्पोर्ट के क्षेत्र में हो, बस आपको इतना काम करना है कि राम के चरित्र को देखते रहना है और उससे हमें सीखते रहना है कि राम ने कैसे अपने जीवन में चेंज किए हैं, उस चेंज को हमें सीखना भी। हम कुछ भी करें, हमें इंजीनियर बनने वाला हूँ, यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं सब इंजीनियर बनने वाले आने वाले टाइम पे, हम क्या करेंगे, हम इंजीनियर हैं, लेकिन हम क्या करें कि राम के जो मर्यादा पुरुषोत्तम वाले गुण हैं उन गुणों को अपने अंदर उतारें और उस गुण को अप्लाई करके हम अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती, हम इतना ही कर सकते हैं अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। वही है कि अगर हम थोड़ा सा भी अंश अगर हम जो कहते हैं उसको अगर अपने अप्लाई करें, क्योंकि शुरुआत हम ही से होती है, हम अगर शुरुआत करें कि तुम्हारे आसपास वालों का माहौल भी बदलता चला जाएगा और आजकल जो चीजें चल रही हैं वो थोड़ी और सुंदर हो जाएंगी। एक बार जयकारा लगा दीजिए। जय श्री राम, रामचंद्र की जय, पुत्र हनुमान की जय। तो देखा आपने कि युवाओं का कहना है कि राम के चरित्र को अगर थोड़ा सा भी अपने अंदर सुधार लेते हैं तो हमारे अंदर भी हमारा जीवन आगे का सुखमय हो जाएगा। कैमरामैन कमल के साथ मैं दीक्षा चौधरी, टीएनपी न्यूज़।